Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel which is Paharan Food and Travel Vlogs. So guys, morning के 8:30 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं और आज सैटरडे है. सो मैं अभी आज इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ. सो गाइज, यहाँ पे बन रही है मेरी स्क्रैम्बल्ड एग्स और साथ में चाय बन रही है और अभी ब्रेड और हम स्क्रैम्बल एग्स और चाय पियेंगे. देन उसके बाद हम कहीं जा रहे हैं आज, तो पैकिंग हमारी हो चुकी है. सो चलिए आपको भी ले चलते हैं हम अपने साथ. स्टे ट्यून्ड गाइस. बताई देती हूँ आपको, एक्चुअली कल है रक्षाबंधन और हम लोग जा रहे हैं अपने घर. मैं जा रही हूँ हिमाचल रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने और सबसे मिल भी लूँगी. बट अभी अभी जस्ट एक न्यूज़ मिली है कि NH1 क्लोज किया हुआ है. लाइक जो जलंधर एंड पठानकोट हाईवे है उसको जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है. बट फिर भी हम निकल चुके हैं क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं कि हम होशियारपुर वाली साइड से वहाँ कहीं एक और ट्रैक है लाइक हिमाचल नंगल के बीच का, वहाँ से हम क्रॉस कर जाएं अगर वहाँ पे ना हुआ तो. सो चलिए. गाइज, हमने दूसरा ट्रैक लिया है लाइक होशियारपुर के रास्ते से हम जा रहे हैं, वहाँ से कोई रास्ता निकलता है. पर यहाँ से भी रोड ठीक नहीं है. लाइक यहाँ से अभी 100 किलोमीटर्स पठानकोट पड़ा हुआ है और एक बिल्कुल नैरो सा रोड है. सो हम लोग अभी आफ्टरनून हो चुकी है, आफ्टरनून के 1 o'clock तो यहीं बज चुके हैं. पता नहीं अब आगे की फोरकास्ट भी है रेन की. सो अब हम लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि हम अब क्या करें क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक से बहुत बुरा हाल है और 1.5 hours हम एक कार के अंदर हो चुका है. तो देखिए अब क्या करते हैं, मूड ऑफ हो रहा है बहुत ज़्यादा. इस बीच में व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, 1.5 hours से ऊपर हो चुका है ट्रैफिक में फंसे हुए. एक सेकंड के लिए कार बस जस्ट ऐसे चलती है आगे और फिर रुक जाती है. अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को शायद वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अभी घर तो बहुत दूर है और रात की जर्नी हम कर नहीं सकते बच्चों के साथ क्योंकि ये कार में बहुत परेशान हो रहे हैं. काफ़ी देर से हम लोग कार में बैठे हुए हैं और हम भी टायर्ड फील कर रहे हैं. सो देखो अब क्या डिसीज़न लेते हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें. जी हो गया काम गाइज. अभी जस्ट पता चला है कि यहाँ पे भी रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, होशियारपुर सारा क्लोज हो गया है. यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़, किसी लोकल से हमने कन्फर्म किया तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी बंद हो चुकी हैं और यहाँ पे काफ़ी रश हो गया. अब हम वापस जा रहे हैं, ये देखिए पहुँच गए हैं घर वापस और ये रहा मेरा सारा लगेज. थोड़ा एक दिन के लिए जा रहे थे, सारा मूड ऑफ हो गया, हम वापस आ गए हैं घर. सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि मैं अपने घर में ही हूँ. हम लोग कहीं जा रहे थे तो मुझे लगा था कि वहाँ पहुँच के आप सबको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही थी.
तो मैं बता देती हूँ आपको कि एक्चुअली मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका है आज। मतलब मॉर्निंग में 5:30 उठ गए थे और फिर कुछ पैकिंग वगैरह करके हम लोग मैं अपने घर ही जा रही थी हिमाचल, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो मतलब होता है ना, फैमिली साथ में सेलिब्रेट करती है और ब्रदर्स भी वही हैं। और लाइक लास्ट ईयर भी कोविड में हम लोग ऐसे फंसे हुए थे कि लॉकडाउन में, कि लास्ट ईयर भी कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था कोई भी फेस्टिवल का। मतलब बुरा लग रहा है कि कैसा टाइम आ चुका है ना, कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोग फेस्टिवल्स को भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या होगा आगे। मतलब मन ही ख़राब हो जाता है गाइस जब इस तरह की कोई चीज़ें होती है ना। मैं मतलब बस यही है कि हम लोग जा रहे थे तो NH जो मेन हाईवे है लुधियाना से जलंधर जाते हुए एंड पठानकोट, वो तो सारा हाईवे क्लोज था आज, क्योंकि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं उन्होंने सारा बंद करके रखा था। हमें मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि जो मेन हाईवे है वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी था हमें कि एक होप होती है ना कि चलो हम लाइक फगवाड़ा से होशियारपुर के रास्ते से चले जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे, लाइक जल्दी जल्दी से अपना थोड़ा बहुत पैकिंग जो रह गई थी वो करी थी और उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए थे। 9 o'clock तक हम लोग निकल चुके थे घर से। सो हाफ जर्नी हमारी कवर हो गई थी। थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, कंजस्टेड था। मतलब बच्चे भी दोनों साथ में थे, जैसे डबू मैक्स, उनको भी प्रॉब्लम होती है लॉन्ग जर्नी में लाइक। तो मतलब फिर भी उनको हम हमेशा ही साथ में लेके जाते हैं, अकेला तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हम लोग जा रहे थे तो मेन मेन रास्ते से तो चलो हमने पुलिस वगैरह से रोक के गाड़ी सारा इन्फॉर्मेशन ले ली कि हम वहाँ से नहीं जा सकते। फार्मर्स ने मतलब बॉर्डर वगैरह बंद करा हुआ है सारा हिमाचल और पंजाब का। तो हम लोग होशियारपुर वाले रास्ते से चले गए, वहीं बीच से कहीं शॉर्टकट्स वगैरह निकलते हैं। तो गाइज वहाँ पहुँच के लाइक ऐसा था कि 1-1.5 आवर के लिए हम लोगों को ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ा। उतनी देर में जो थे मेरे डॉग्स, दोनों बच्चों को लाइक उनको वो मतलब शिट वगैरह करनी होती है, तो उनको हम मतलब वो तो नहीं बोल सकते ना कि हमें गाड़ी से उतारो या कुछ करो। तो वो भी परेशान हो रहे थे, हम भी परेशान हो रहे थे, और ऊपर से टाइम भी, इतनी देर हम बीच बीच में ट्रैफिक में फंसे हैं कि टाइम भी इतना हो चुका था कि 1 o'clock हमें वहीं हो गया था। तो अभी 100 किलोमीटर्स पठानकोट वहाँ से था और रास्ता भी कोई नेशनल हाईवे वाला नहीं था। तब हम लोगों ने हार फिर के मतलब ये डिसीज़न लिया कि हम लोग वापस चलते हैं घर, क्योंकि मन नहीं कर रहा था वापस आने का, क्योंकि कल कल एक तो रक्षाबंधन है, ऊपर से हम लोग जा रहे थे कि चलो रक्षाबंधन है ना, ठीक है। लेकिन फिर हम लोगों को वापस आने का डिसीज़न लेना पड़ा। सो हम लोग फिर घर वापस पहुंच गए और मूड की बिल्कुल बैंड बजी हुई है, बिल्कुल मूड ऑफ है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ बैठे रहते, वेट करते रहते, तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हमें तो पता है कि किसी चीज़ पे कंट्रोल है तो करना है। बट एक गाड़ी के अंदर आप 1-2 घंटे के लिए हम चलते जा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं फिर हमसे वो नहीं देखा जा सकता। और आई थिंक इवनिंग के 6 o'clock तक ये प्रोटेस्ट चलना था, तो हम लोगों ने पता नहीं कब वो पहाड़ी इलाकों में, आपको पता है रास्ते ख़राब होते हैं आजकल, वैसे ही फोरकास्ट हो रहा था रेन का इतना ज़्यादा, तो पता नहीं हम कब लोग वहाँ पहुँचते रात को, है ना। तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया गाइज, मूड तो ज़रूर ऑफ हुआ था, लेकिन फिर घर वापस आ गए हम। तो ऐसे लग रहा था कि ये वाला रक्षाबंधन भी ऐसे ही जाएगा, बस फोटोज़ फोटोज़ भेज दो एक दूसरे को, रक्षा हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो, और बस इसमें यही हमारा फेस्टिवल्स रह गए हैं। मतलब
एटलीस्ट चलो ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट था, हम लोग इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन यार आप वीकेंड के टाइम में, फेस्टिवल्स के टाइम में इस तरह की चीज़ें मत करो, क्योंकि कोरोना जैसी चीज़ आके निकल चुकी है और अभी चल भी रही है, इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया, तो एक ह्यूमन होने के नाते हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम सुख शांति से जितने भी हमारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, मिलना जुलना एक दूसरे के साथ, उनको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, क्योंकि लाइफ बहुत स्मॉल है गाइस। तो मतलब इतने सारे, ये जो पेंडेमिक आया है, इसकी कोई शक्ल तो है नहीं, हमें नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं है, एक डिजीज़ है, किसी को भी हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों को इन चीज़ों से मतलब इस चीज़ से डरना चाहिए और हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम आगे सारे ह्यूमंस अच्छा ही अच्छा करें, मतलब कि हम नेगेटिविटी को रोकें हर तरह से, मतलब हम पॉजिटिव रहें। और आप ठीक है, प्रोटेस्ट करिए, सारी चीज़ें करिए, आपकी मांगे भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन यार प्लीज़ दूसरे लोगों को सफ़र मत करवाइए कि मतलब आप लोग दूसरे लोगों को सफ़र करा रहे हैं। कितने ही लोग होंगे, कितने ही भाई बहन होंगे, कितने ही पेरेंट्स होंगे जिनको अपनी बेटियों के आने की आस होएगी, या जिनको अपने भाइयों के घर आने की आस होएगी, या जिन लड़कियों को अपने पेरेंट्स के पास जाने की आस होएगी, या उनको उनके पास आने की आस होएगी, मतलब कुछ भी है, लाइक यार पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी मत फैलाओ। बस थैंक यू, आज के इसमें मैंने यही कहना था, मेरा मूड एकदम ऑफ है गाइस, तो चलिए ये तो ऐसे ही चलता रहेगा आई थिंक। पॉजिटिविटी किसी को चाहिए नहीं, नेगेटिविटी ही बना के रखनी है। तो चलो एनीवेज, कल रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए बने रहिए फिर आप मेरे साथ गाइस, और आप अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा। बाय, टेक केयर।